सम्मानीय सदस्य बीके हरिप्रसाद जी ने अभी अभी श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी के घर पर एक घटना हुई उसका उल्लेख किया, इसलिए मैं इसका रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। माननीय दिनांक 25 नवंबर को वैसे श्रीमती प्रियंका वाड्रा के घर पर जो सुरक्षा है, पहले भी और अभी भी उनको सूचना है कि श्री रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और परिवार के लोग आते हैं, उनको सिक्योरिटी कंट्रोल की व्यवस्था से वो नहीं गुजरते हैं, सीधे घर में जाए। उनको एक सूचना मिली कि एक काली टाटा सफारी के अंदर श्री राहुल गांधी उनको मिलने आने वाले हैं। इस सूचना गेट पर थी, उसके बाद में एक टाटा सफारी, काली ही टाटा सफारी आई और इसके अंदर श्री राहुल गांधी की जगह सुश्री शारदा त्यागी, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी खरगोड़ा मेरठ, चार पार्टी वर्कर के साथ उनको मिलने आई। चूंकि काली गाड़ी ही थी, समय भी वो ही था, बड़ा इत्तफाक था, तो वो सिक्योरिटी चेकिंग के बगैर अंदर गए। मगर जैसे हरिप्रसाद जी ने कहा, वो कांग्रेस प्रोटेक्शन, क्या कहा था, सीआरपीएफ, कांग्रेस रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स के मेंबर थे और वो ही काली गाड़ी में भी आए, वो ही समय पर आए। वो इत्तफाक होने के बावजूद भी हमने इसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए और जिम्मेदार तीनों लोगों को सस्पेंड कर सीनियर मोस्ट आईजी के पास उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। मगर इत्तफाक कभी न हो ऐसा इत्तफाक था, फिर भी हम 0.001% भी चांस लेना नहीं चाहते, इसलिए इंक्वायरी ऑर्डर करी है। माननीय इस प्रकार की चीजें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर साच अर्थ में सुरक्षा की चिंता है तो इस प्रकार की चीजों का कम्युनिकेशन गोपनीय होता है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ होता है, प्रेस के अंदर सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, सदन के अंदर बोलकर किसी को इंगित नहीं। अगर उनकी सुरक्षा की चिंता है तो पॉलिटिक्स करनी है तो प्रेस को भी दे सकते हैं, यहां पर भी बता सकते हैं, वरना एक गोपनीय पत्र सीआरपीएफ के डीजी को भी लिख सकते थे, मुझे भी लिख सकते थे और जो उनके सुरक्षा इंचार्ज है आईजी कक्षा के अधिकारी उनको भी लिख सकते। खैर, अब जो किया वो किया, हम तो जांच कर रहे हैं। माननीय